नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक भारत के अंदर बैन हो चुका है। टिकटॉक के अलावा 59 ऐसी एप्लीकेशन है जो कि भारत के अंदर बैन हो चुकी है। टिकटॉक के अलावा एक ऐसी कैसे आप कौन कौन सी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो आप यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताई है जिसमें आप रोपोसो यूज़ कर सकते हैं, मित्रो यूज़ कर सकते हैं और एक चिंगारी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रोपोसो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो रोपोसो एप्लीकेशन के अंदर एक OTP का प्रॉब्लम आता है। तो वो OTP वाला प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप रोपोसो एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करते हो तो उसके अंदर OTP नहीं आता है, वो बफर होता जाता है, घूमता जाता है लेकिन OTP आपके पास नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं 5 आपको टिप्स बताने वाला हूँ जो टिप्स आपके फ़ोन के अंदर काम कर सकती है और आपका रोपोसो एप्लीकेशन के अंदर जो OTP है वो आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैंने अपना रोपोसो एप्लीकेशन जो है ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना नंबर डाल दिया और यहाँ पे सेंड OTP भी एक बार क्लिक कर देते हैं। तो सेंड OTP जब आप क्लिक करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका जो है ये OTP जो है ये चलता रहेगा रोपोसो एप्लीकेशन, लेकिन OTP आपके फ़ोन के अंदर नहीं आएगा। तो इसके 5 सिंपल से जो है स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आना है। सबसे पहले पे आपको यहाँ पर रोपोसो सर्च करना है, रोपोसो यहाँ पे ओपन करना है। अगर यहाँ पे इस एप्लीकेशन का कोई आपको अपडेट आता है तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है रोपोसो एप्लीकेशन का। अगर अपडेट नहीं आता तो यहाँ पे सिंपली इसको एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और ये तो था अपना पहला तरीका जिससे आप जो है रोपोसो एप्लीकेशन को जो है उसका जो OTP माइट भी आपके फ़ोन के अंदर काम कर सकता है। ये फ़ोन पे भी डिपेंड करता है और मेनली चेस जो है दोस्तों वो रोपोसो के सर्वर पे डिपेंड करता है, क्योंकि रोपोसो एप्लीकेशन अभी जस्ट टिकटॉक बैन हुआ है। इसकी वजह से रोपोसो पे और मित्रों पे और चिंगारी एप्लीकेशन, ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है सेकंड का। ठीक है, सो अब मैं आपको दूसरे तरीके और तीसरे तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे अनइंस्टॉल करके आप एक बार ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। दूसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जियो का एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, BSNL का, तो मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट वगैरह अच्छे से काम करे। तीसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पे मेक श्योर कि आपके जो सिम है वो एक्टिवेट रहे और आपके फ़ोन के अंदर एक वैलिड बेस प्लान हो जिसके अंदर SMS इंक्लूड्स हो। अगर मान लीजिए आप जियो यूज़ कर रहे हैं या वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं या आइडिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जियो यूज़ कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर कोई एक बेस प्लान होना चाहिए। बेस प्लान अगर नहीं होगा जिसके अंदर SMS इंक्लूड नहीं होंगे तो आपके फ़ोन के अंदर SMS वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपको काम करना है, ये सारे के तरीके वर्क करना है आपको। अगर ये सारे तरीके भी काम नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक बार जो है रोपोसो ऐप को अनइंस्टॉल करके, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये सारा जो प्रोसेस करने के बाद अगर ये भी अगर कुछ भी काम नहीं करता है इसके अंदर, तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके ओपन करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको दोबारा से एक बार पूरा अच्छे से ट्राई करना है। फिर ट्राई करने के बाद फिर आपका माइंड भी रोपोसो एप्लीकेशन में जो OTP का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे तरीके आप काम कीजिए और फिर मेरे को बताइए आपका रोपोसो एप्लीकेशन चला या नहीं चला। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए यस और नो लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये रोपोसो एप्लीकेशन वर्क करता है अच्छे से तो यस लिखिए और अगर काम नहीं करता है तो नो लिखिए। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बोलते हैं।